चाहेंगे कि सौर मंडल क्या है या सौर मंडल से क्या आशय है। सौर मंडल से क्या आशय है, चलिए जानते हैं। सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग और उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं, क्षुद्र ग्रह, ग्रहों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। इस सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 थी। प्लूटो को 2006 के बाद बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया था, तब से ग्रहों की संख्या 8 हो गई है। सौर मंडल के अंतर्गत अगर हम इन्हें क्रम से देखते हैं तो सबसे पहले आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। इस प्रकार हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। आइए सौर मंडल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं, तो जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम सूर्य के बारे में जानेंगे। सूर्य यह हमारे सौर मंडल का मुखिया है। यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सभी सदस्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं और धूमकेतु उसकी परिक्रमा करते हैं। सभी सदस्य सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सौर मंडल के समस्त पदार्थों का लगभग 99% भाग सूर्य में निहित है। सूर्य का आकार इतना बड़ा है और विशाल है कि सब मिलकर उसका केवल 1% भाग ही ढक पाएंगे। अर्थात आगे हम और बढ़ते हैं, इतनी विशालता के कारण ही सूर्य में अपार गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, जिसके कारण सभी ग्रह, उपग्रह बंधे हुए निरंतर उसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य धधकता हुआ एक विशाल महापिंड है। यह प्रकाश एवं ऊर्जा का भंडार है। हमारी पृथ्वी सूर्य से प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त करती है। सूर्य के प्रकाश के कारण ही पृथ्वी पर दिन होता है और सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचती है। सूर्य में इतनी विशाल ऊर्जा व प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है, हमारे सामने ये भी प्रश्न आता है। वास्तव में सूर्य एक विशाल काय परमाणु भट्टी की तरह प्रज्वलित है। वैज्ञानिकों ने अध्ययन कर पता लगाया है कि सूर्य कई ज्वलनशील गैसों का जलता हुआ पिंड है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम आदि अनेक गैसें निरंतर जलकर व क्रिया करके ताप एवं प्रकाश करोड़ों वर्षों से उत्पन्न करती हुई आ रही हैं। हाइड्रोजन एवं हीलियम दो ज्वलनशील गैसें हैं जो सूर्य के ताप को बढ़ाती हैं। अनुमान है सूर्य की सतह का तापमान 6000 सेंटीग्रेड तथा केंद्रीय भाग का तापमान 1.5 करोड़ सेंटीग्रेड है। सौर मंडल के ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत हम देख सकते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बाह्य ग्रह के अंतर्गत हम देख सकते हैं बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण। चलिए हम सूर्य के सबसे निकट वाले ग्रह की बात करते हैं, जिसमें आता है सबसे पहले बुध। इसके बारे में अगर हम जानकारी लें तो हम सबसे पहले देखेंगे यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में यानी 88 डेज में पूरी कर लेता है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। यहाँ दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक अर्थात 600 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम दूसरे ग्रह की बात करते हैं, शुक्र। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और सौर मंडल का सबसे गर्म व चमकीला ग्रह है। और शुक्र का
कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र को भौर का तारा और सांच का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। अब अगली जानकारी हमारी पृथ्वी के बारे में है। यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। 365 दिन 6 घंटे लगभग हुए। इस तरह से आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। पृथ्वी पर 71% भाग में जल है तथा 29% भाग इसका स्थलीय है। आइए अब मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते हैं। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। मंगल को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लगता है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया और सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी होली पर मैसी मंगल पर ही स्थित है। पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभावना व्यक्त की जाती है। अब हम अगले ग्रह की तरफ बढ़ते हैं, बृहस्पति। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लगता है। इसके वातावरण में हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन गैसों की मात्रा पाई जाती है। अब अगला ग्रह है हमारा शनि। शनि सबसे विचित्र और सुंदर ग्रह है। शनि आकार में दूसरा व सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर वलय हैं, जिनकी संख्या 7 है। शनि हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों से निर्मित है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। यह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 6 माह में पूरी करता है। अगला ग्रह है हमारा अरुण। अरुण की खोज विलियम हर्शल द्वारा 1781 में की गई थी। यह 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। यह सूर्य से दूर होने के कारण काफी ठंडा ग्रह है। उसके चारों ओर भी वलय हैं। अगला ग्रह है हमारा वरुण। वरुण की खोज 1846 में जोहान गाले ने की थी। इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। वरुण के 13 उपग्रह हैं, जिनमें से ट्रिटोन और मैरिड प्रमुख हैं। आइए अब हम अपने अगले ग्रह की तरफ बढ़ते हैं, जो है चंद्रमा। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। रात में आसमान पर दिखने वाले समस्त आकाशीय पिंडों में चंद्रमा सबसे बड़ा नजर आता है, क्योंकि अन्य पिंडों की तुलना में देखा जाए तो वह पृथ्वी के निकट है। अपने अक्ष पर चंद्रमा 27 दिन 7 घंटे में एक बार घूम जाता है और इतने ही दिनों में पृथ्वी की एक परिक्रमा भी कर लेता है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग सदैव दिखाई देता है। यह पहला आकाशीय पिंड है जिसके धरातल पर मनुष्य के चरण पड़े। हम प्रतिदिन चंद्रमा के प्रकाशित भाग को घटता बढ़ता देखते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जिन 15 दिन की अवधि में यह घटता है उसे कृष्ण पक्ष, और दूसरे 15 दिन की अवधि में जब यह बढ़ता है तो उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। जिस रात में वो पूरा दिखाई देता है या पूरा नजर आता है उसे पूर्णिमा कहते हैं, तथा जिस दिन उसका प्रकाशित भाग
बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसे अमावस कहते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी अगर हम देखें तो 384,000 किलोमीटर है। यह पृथ्वी से 4 गुना छोटा है और यह सूर्य से प्रकाशित होता है। तो इस तरह से आपने देखा चंद्रमा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे सूक्ष्म और महत्वपूर्ण ग्रहों की जानकारी जिसका जानना आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वैज्ञानिक विषय है और इसे हम हिंदी में समझ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप हर एक छोटे से छोटे ग्रहों की जानकारी आपको सही रूप में प्राप्त हो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अभी तक मैं जितनी भी बातें कर रही थी उसमें आपने सुना होगा पिंड का अर्थ। पिंड का अर्थ होता है घना, ठोस, गोलाकार खंड या गोलाकार पदार्थ, या फिर हम कह सकते हैं पत्थर का टुकड़ा। अब अगले उसमें मैं आपको बताती हूँ ग्रह, प्लैनेट, यानी कि इसका मतलब होता है निश्चित कक्षाओं पर सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी उपग्रह यानी सैटेलाइट, आकाशीय पिंड जो अपने ग्रहों की परिक्रमा के साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं वह उपग्रह कहलाते हैं। अब इसके बाद एक क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच सक्रिय पट्टी में फैले हुए छोटे छोटे आकाशीय पिंड को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब इसके बाद है उल्काएं, मेटेराइट। आपने देखा होगा कभी कभी रात में तारों के बीच अचानक छड़ भर के लिए तेज चमकदार लकीर सी दिखाई देती है, जिन्हें बोलचाल की भाषा में हम तारों का टूटना कहते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा, तारों का टूटना, याद आया आपको कुछ? वास्तव में यह ऐसे छोटे छोटे भटकते हुए उल्का पिंड है जो कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आकर वायुमंडल के घर्षण से जल उठते हैं। अब अगली जानकारी है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, वह है धूमकेतु अर्थात कॉमेट। इन्हें पुच्छल तारे भी कहते हैं। धूमकेतु सिर और लंबी पूंछ वाले आकाशीय पिंड है, ध्यान रखिएगा, जिनका दिखने का समय और दिशा अनिश्चित होती है, यानी अनिश्चित यानी उसका कोई निश्चित समय ही नहीं होता है। परिक्रमा करते हुए जब ये सूर्य के निकट से गुजरते हैं तो हमें ये दिखाई देते हैं। हैली नामक धूमकेतु हमारा परिचित धूमकेतु है जो नियमित रूप से प्रति 76 वर्ष में दिखाई देता है। अब अगली जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी तारों के बारे में। कौन नहीं जानना चाहता तारों के बारे में? तो तारों को अक्सर हम आसमान में देखा करते हैं, तो चलिए आज हम इनके बारे में जानेंगे। बादल रहित रात में हम असंख्य तारे आसमान में झिलमिलाते हुए हमें वो नजर आते हैं या दिखाई देते हैं। सौर मंडल में बहुत दूर ऐसे आकाशीय पिंड जिनका अपना प्रकाश और ऊर्जा होती है वो तारे कहलाते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है, ध्यान दीजिएगा, हमारा सूर्य भी एक तारा है जिसका अपना प्रकाश और अपनी ऊर्जा है। आकाश के कुछ तारे तो हमारे सूर्य से कई गुना बड़े हैं, लेकिन सूर्य की तुलना में वे इतने अधिक दूर हैं कि वो केवल हमें टिमटिमाते हुए ही नजर आते हैं। अगली हमारी जानकारी है तारे व ग्रह में अंतर। अक्सर बच्चों को डाउट होता है कि तारे और ग्रह में क्या अंतर है और सभी को संदेह होने लगता है। तो चलिए आज मैं आपको ये भी बताती हूँ कि तारों और ग्रहों में कितना अंतर होता है। ध्यान दीजिएगा कि तारे स्वयं प्रकाशवान होते हैं जबकि ग्रहों का स्वयं का प्रकाश ही नहीं होता है। तारों की चमक स्थिर नहीं होती, कम ज्यादा होती रहती है, जबकि ग्रहों की चमक एक जैसी होती है। तारे स्थिर होते हैं जबकि ग्रह आकाश में अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। आइए अब अगली जानकारी है आकाशगंगा यानी गैलेक्सी।
स्वच्छ रात्रि में तारों के बीच बादलों जैसी एक दूधिया पट्टी आपको दिखाई देती है। वास्तव में वह बादल नहीं अपितु असंख्य तारों का एक समूह है जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। उसमें हमारे सूर्य जैसे अरबों तारे हैं। ध्यान दीजिएगा, उसमें हमारे सूर्य जैसे अरबों तारे हैं। हमारा सूर्य आकाशगंगा के एक छोर पर स्थित है। अब हमारी अगली और अंतिम जानकारी जो है ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स। सारे पदार्थों और सारी आकाश गंगाओं और सारी ऊर्जा जिस अंतहीन आकाश में व्याप्त है, ध्यान दीजिएगा अंतहीन, जिसका कोई अंत ही नहीं है, आकाश में व्याप्त है, उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड जो है अनंत है। तो ये थी आज के हमारे सौर मंडल से संबंधित पूरी जानकारी। अब मैं इस पाठ के अंत में आपको ये सारी जानकारी देते हुए अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले नए अंक में। धन्यवाद।